हेलो नमस्ते सत श्री अकाल सलाम एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल निहाज वर्ल्ड। सो वीडियो देखने से पहले चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है, समझ गए होंगे कि आज का व्लॉग किससे रिलेटेड है। सो चलिए बता देते हैं, आज का व्लॉग है ट्रैवल से रिलेटेड। तो मैं अकेले कर रही हूँ ट्रैवल पटना टू दिल्ली, एंड ये है राजेंद्र नगर टर्मिनल जहाँ से मैं लूँगी ट्रेन। सो मैं जिस ट्रेन से जाने वाली हूँ वो आपको आगे दिखाऊँगी। सो धीरे धीरे हम बढ़ते हैं अंदर की ओर और दिखाती हूँ आपको कि किससे मैं जाने वाली हूँ। वैसे ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है जिसमें मैं अकेले जा रही हूँ दिल्ली। वैसे मैं कभी अकेले जाना कहीं पसंद नहीं करती हूँ, और कुछ इमरजेंसी आ गया था, दैट्स वाई मुझे मेरे बर्थडे के दिन ही पटना को छोड़ना पड़ा। और ये ट्रेन है तेजस एक्सप्रेस जिससे मैं जाने वाली हूँ। वन मोर थिंग, बर्थडे के तुरंत बाद पटना को छोड़कर जाना थोड़ा टफ था क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैंने प्लान कर रखी थी वो नहीं हुई, कोई बात नहीं। बट हाँ, एक चीज़ अच्छा हो रहा है यहाँ पे मेरे साथ कि भले ही इमरजेंसी में मैं जा रही हूँ दिल्ली, और ये जो एक्सपीरियंस है अकेले वाला ये मुझे हमेशा याद रहेगा। क्योंकि ट्रैवल आप किसी के साथ भी कर लो, बट जब आप अकेले करते हो ट्रैवल तो उसका अनुभव एक्सपीरियंस अलग ही होता है। सो आइए अंदर चलते हैं। और ये है मेन गेट एंड ये है अंदर का एक और गेट। सो यहाँ से एंटर करेंगे एंड एक दो सीट के बाद ही मेरा सीट है। तो यहाँ पर मेरा सीट है, आप सीट वगैरह भी देख सकते हैं, बहुत अच्छा है। कलर की भी बात करूँ तो बहुत अच्छा है। यहाँ पे आपको पिलोज़ वगैरह मिल जाएंगे, बेड शीट, ब्लैंकेट सब कुछ अवेलेबल था नाइट में। और ये जो मेरा बचकाना हरकत है ये कभी नहीं सुधरने वाला है, बट मैं इससे बहुत इन्जॉय करती हूँ। सो मैंने यहाँ पर राजेंद्र नगर को छोड़ दिया है 7:20 में, और यहाँ पर अब आ गए हम पटना जंक्शन। ये बहुत सारे लोग राजेंद्र नगर से ट्रेन पकड़ते हैं और बहुत सारे लोग हैं जो कि पटना जंक्शन से ट्रेन पकड़ते हैं। सो मोस्टली लोग पटना जंक्शन पर ही हैं। उसके बाद में ट्रेन स्टार्ट हो गई एंड हमारा बजा रात का 9:30। उसके बाद में फ़ूड आ गया। सो मैंने यहाँ पर वेज ऑर्डर किया है और इसमें ये सारी चीज़ें आई हैं। सो मैं आपको आगे दिखा रही हूँ। इसमें वेज मंगाया था मैंने जिसमें पनीर, दाल, दो पराठे, चावल, वेज भुजिया और कर्ड था जो कि इनफ है पर पर्सन के लिए। एंड राइस बहुत अच्छी लगी थी। वैसे मैं नाइट में नहीं खाती हूँ, बट मैंने यहाँ पर राइस भी फिनिश कर दिया। सो फूड वाज ऑसम। यहाँ पर रात हो चुकी है एंड सारे लोग देख सकते हैं चद्दर तान कर, ब्लैंकेट तान कर सो गए हैं, और मैं थोड़ा बहुत वीडियो ले रही हूँ एंड मुझे भी नींद आ रही है। सो रात काफ़ी हो गई है यहाँ पर, अभी नाइट का मैं नहीं दिखा पाऊँगी, बट सुबह में मिलते हैं। तो सुबह उठते ही मुझे दादाजी दिखे हैं बाहर का व्यू लेते हुए एंड यहाँ पर मैं भी उठ गई और अपने विंडो का कर्टन उठा दिया, बाहर का व्यू देख सकते हैं। वैसे मॉर्निंग में ऐसे व्यूज़ में देख नहीं पाती हूँ क्योंकि सोती रहती हूँ। उसके बाद में आया हमारा टी एंड बिस्किट, और यहाँ पर चाय बिस्किट आए थे। अब देख सकते हैं यहाँ पर वीडियो थोड़ा बनाने में प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि अकेले वीडियो बनाना भाई टफ होता है। तो देख लीजिए मेरा चाय कितनी मुश्किल से बना है, देख लीजिए देख लीजिए। सो फाइनली स्टिक हटा यहाँ से एंड अब ये चाय बना है, और इतना ज़्यादा मिक्स करते करते मेरा चाय ठंडा हो गया था। खैर कोई बात नहीं, खुद से कैमरा होल्ड करना एंड ख़ुद से सब कुछ करना थोड़ा टफ था, इसलिए अभी ठंडा चाय पी लेती हूँ, नेक्स्ट टाइम से गरम गरम पी लूँगी। सो चाय के बाद मैंने हल्का सा अपने फेस को मॉइस्चराइज किया एंड उसके बाद मैं कम किया
क्योंकि मॉर्निंग में मुझे आदत है फेस वॉश करने के बाद मॉइस्चराइजर यूज़ करने का, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे भी यूज़ किया और मैं हमेशा इसको कैरी करती हूँ। लैक्मी का यूज़ करती हूँ भाई। अब कंघा कर लिया था, क्लिप वगैरह लगा लेती हूँ। उसके बाद में ये लिपस्टिक किया हल्का सा, देन ये आगे की चेन में मैंने क्लिप रखा था रात में ताकि मैं जल्दी से निकाल सकूँ। छोटी क्लिप है भाई, इधर उधर हो जाती है बैग में। सो ये मेरा हो गया डन। अच्छी लग रही हूँ? हाँ भाई अच्छी लग रही हूँ। ये थोड़ा टफ काम होता है रात में, आप अपने क्लिप्स निकालो, वॉच निकालो, मेकअप उतार लो थोड़ा सा एंड फिर सुबह उठकर आप रेडी हो। बट कोई बात नहीं, इन सारे चीज़ों को कैप्चर करने के लिए इतना मेहनत करना पड़ रहा है। वैसे मैं कैप्चर भी नहीं करती हूँ तब भी मैं ऐसे ही रेडी होती हूँ। सो फिर से यहाँ पर लिप बाम एंड यहाँ पर हो गई हूँ मैं रेडी फाइनल लुक के लिए, मेरा चश्मा जिसके बिना मैं हूँ अधूरी। मुझे नहीं मिल रहा है क्या? मिल गया मिल गया, ये रहा मेरा चश्मा। एंड हम अपने एग्जैक्ट टाइम पे, राइट टाइम पे पहुँचने वाले हैं दिल्ली। और यहाँ से आपको यमुना नदी दिख रहा है। सो मैं उतर चुकी हूँ न्यू दिल्ली स्टेशन पे और पीछे है मेरी गाड़ी खड़ी हुई। आई जस्ट होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू वेरी मच, कीप सपोर्टिंग। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।